साठ और सत्तर की दिहाई में पाकिस्तान के जिस अदाकार ने अपनी फ़नी अजमत का सिक्का जमाया और फिल्मी सनत के पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल किया वो यकीनन वहीद मुराद थे। ये वो अदाकार थे जिन्हें चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता था और शहनशाह रोमांस भी। इनके बालों का स्टाइल भी बहुत मकबूल हुआ और यह हकीकत है कि बरसगीर पाक और हिंद में दिलीप कुमार के बाद जिस अदाकार के बालों का स्टाइल सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ वो वहीद मुराद थे। 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा होने वाले वहीद मुराद अदाकार, फिल्म साज और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। इन्होंने कराची के SM आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदबियात में MA किया। 1959 में इन्होंने फिल्म साथी में मेहमान अदाकार की हैसियत से काम किया। इनके वालिद निसार मुराद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो 1961 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म इंसान बदलता है के प्रोड्यूसर भी थे। इसके बाद इन्होंने जब से देखा है तुम्हें बनाई 1962 में वहीद मुराद ने अपनी पहली फ़िल्म औलाद में काम किया। इसमें नैयर सुल्ताना और हबीब ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फ़िल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद वहीद मुराद ने फिल्म दामन में सबिया और संतोष के साथ काम किया। इस फिल्म में इनके साथ नीलू भी थी। हीरा और पत्थर में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके हदायतकार परवेज मलिक थे। फिल्म सुपरहिट हुई तो वहीद मुराद और जेबा की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। फिर वहीद मुराद ने फिल्म अरमान बनाई। इस फिल्म ने रिकॉर्ड साथ कामयाबी हासिल की। ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म साबित हुई। इसके गीतों ने भी हर तरफ धूम मचा दी। खास तौर पर क्लब सॉन्ग मेरे ख्यालों में चाहिए एक सूरत मतवाली सी कोको कोरीना बहुत मशहूर हुआ। इससे पहले जिस क्लब सॉन्ग ने मुलगीर शोहरत हासिल की थी वो फिल्म कोयल में नीलू पर अक्स बंद किया गया था। इस गीत का नाम दिल जलाना दिल वाले था। इनकी बनाई हुई फिल्म एहसान खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन वहीद मुराद की शोहरत का आफ्ताब चमक रहा था। इन्होंने कनीज, देवर भाभी, अंजुमन, सालगिरह, खलिश, मुलाकात, फूल मेरे गुलशन का, तुम सलामत रहो, दिल मेरी धड़कन तेरी, बहारो फूल बरसाओ, नागमणि, दौलत और दुनिया, शमा, शबाना, नजराना और सरैया भोपाली जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। इनकी हीरोइनों में जेबा, दीबा, शमीम आरा, रानी शबनम, आलिया और रोजीना शामिल थी। अंजुमन और देवर भाभी में इन्होंने सबिया खानम के देवर का किरदार अदा किया जिसे बेहद पसंद किया गया। 1970 में वहीद मुराद ने अपनी जाती पंजाबी फिल्म मस्ताना माही बनाई जो बहुत कामयाब हुई। इस फिल्म में इन्होंने डबल रोल अदा किया था। वो बड़े फख्र से कहा करते थे कि ये वो पंजाबी फिल्म थी जिसमें घोड़ा नहीं था। बाद में इन्होंने कुछ और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की जिसमें इश्क मेरा ना, जोगी परवाह नहीं शामिल है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी शोहरत के सूरज को ग्रहण लग गया, एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो गया और पंजाबी फिल्में कसरत से बनने लगीं। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी राज कर रहे थे, दूसरी तरफ अली एजाज और नन्ना का तोती बोल रहा था। वहीद मुराद जवाल के अंधेरों में गुम होने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने नासिर अदीब से कहा कि जनाब अपनी किसी फिल्म में मेरे लिए किरदार लिख दें। अदाकार बदर मुनीर इनके ड्राइवर रह चुके थे। इन्होंने भी वहीद मुराद से एक बार कहा कि वो इनको फिल्मों में काम दिलवाएंगे। ये सुनकर वहीद मुराद को बहुत कलक हुआ। वो मायूसी और तन्हाई का शिकार होते गए। कहाँ वो वहीद मुराद जो लिबर्टी मार्केट लाहौर में आइसक्रीम खाने आता था तो इसकी गाड़ी के गिर्द लड़कियों का हजूम लग जाता था, और कहाँ अब ये आलम के वो तन्हा हो गया। वहीद मुराद को इस हकीकत का इदराक ही ना हो सका कि अरूज के बाद जवाल भी है और ये एक फितरी हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। वहीद मुराद को गाना अक्स बंद कराने में जो महारत हासिल थी वो पाकिस्तान के किसी और अदाकार को नहीं थी। अलबत्ता भारत के राजेश खन्ना इस फन के बादशाह थे। कहा जाता है कि भारतीय अदाकार जतिंदर गाना अक्स बंद कराते हुए वहीद मुराद को कॉपी किया करते थे। शुरू शुरू में वहीद मुराद ने जो टीम बनाई थी इसमें वो खुद, सुहेल राणा और मसरूर अनवर शामिल थे। इन तीनों ने यादगार फिल्में बनाई। इन्होंने ज़्यादातर मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम महीउद्दीन और असलम परवेज के साथ काम किया। यकीनन वो अपना जवाल बर्दाश्त ना कर सके। 23 नवंबर 1983 को ये चॉकलेटी हीरो सिर्फ 46 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। 32 निगार अवार्ड हासिल करने वाले और 17 इम्तियाज़ पाने वाले इस बेबदल फनकार को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर वहीद मुराद के फिल्मी अदाद शुमार पर नज़र दौड़ाई जाए तो इन्होंने 132 फिल्मों में काम किया जिनमें 119 उर्दू, 12 पंजाबी और एक पश्तो फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा 12 फिल्मों के फिल्म साज, 5 फिल्मों के मुसन्निफ और एक फिल्म इशारा के हदायतकार भी थे। फिल्म समुंदर 1968 में इन्होंने गायकी का मुजाहरा भी किया था। वहीद मुराद पर 250 के करीब गाने फिल्माए गए। तकरीबन 150 गीत गुलकार अहमद रुशदी ने गाए, 70 के करीब गीत मेहदी हसन ने, जबकि मसूद राणा ने 30 के करीब गीत वहीद मुराद के लिए गाए थे।
वहीद मुराद पर अक्स बंद होने वाले सुपरहिट गीत में कोको कोरीना, जूं में दिल वो मेरा जान बिहार आएगा, फसाना दिल है मुख्तसर सा, मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया, नाराज़ हो तो अर्ज करूं, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा, एक सांवली सी लड़की, कल भी तुमसे प्यार था मुझको शामिल हैं।